हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माचा ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट। मैं हूं सीमा। आज मैं आप लोग के साथ में इन्वर्जन मेथड के हिसाब से आप लोग को बताऊंगी कि आप अपने बालों को एक महीने में 6 इंच कैसे कर सकते हो। बट उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आपके बाल एक महीने में 6 इंच तक लंबे हो, तो मेरे साथ चैलेंज कीजिए। ठीक है, जिनको लगता है कि नहीं हो सकते ना, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करें और मेरे साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि आपको इस टाइप से अपने बालों को किस तरीके से लंबा करना है। जैसे आप ये इमेज देख रहे हो ना, इस टाइप से आपको करना है, और इसको ऐसे ही नहीं करना है, सिंपल वे में नहीं करना है, इसको करने का एक नया तरीका है। और आपके बाल 6 इंच लंबे होंगे तो उसको आप कुछ तो खिलाओगे, है ना, तभी तो आपके बाल लंबे होंगे। तो आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बहुत से में शेयर करना है। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, सीमा ब्लॉग पे फॉलो कर सकते हो, और आप मुझे ईमेल कर सकते हो, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन, अगर आपकी मेरी नई वीडियोस आ रही हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे, जैसे मैं अपडेट करती रहती हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, है ना, तो वो आप लोग के तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, है ना। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को यहाँ पर एक चीज ये बताऊंगी गाइस कि ये स्टेप तो आपको करना ही करना है, साथ में आपको अपना ऑयल पैक, टोनर, टॉनिक, रिंस, वाटर, हाइड्रोसोल वगैरह सारा कुछ यूज करना है ना। आप लोग कहते रहे कि दीदी आपके बाल इतने जल्दी लंबे कैसे हो जाते हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे बहुत ज्यादा बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो ये चीज पूछते हैं और उनका ये क्वेश्चन होता है। तो आज मैं आप लोग के लिए यही चीज लेकर के आ गई हूँ। जिनकी शादी 2 महीने है, 3 महीने है, देखो अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी नहीं है तो आपके बाल 1 महीने में 6 इंच बाल लंबे नहीं हो सकते। अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी है और आप प्रॉपर तरीके से केयर करते हो तो आपके बाल 6 इंच लंबे हो सकते हैं। ये मैं आपको लिख करके दे रही हूँ, दावे के साथ कह रही हूँ। फालतू की चीज ना तो मेरे पास है और ना मैं शेयर करती हूँ। अभी आप लोगों ने देखा था, मेरे फ्रंट हेयर कटिंग करी थी, अभी आप देखना कुछ टाइम में 1 महीने के अंदर अंदर ये मेरी बाल यहां तक आ जाएंगे। ठीक है, ये मैं आप लोग को चैलेंज देती हूँ खुद से। ठीक है, दूसरी चीज ये कि आज मैं आप लोग के साथ में जो शेयर करने वाली हूँ, इसमें आपको हर एक चीज फॉलो करनी है। आपका पैक भी यूज करना है, टोनर भी यूज करना है, टॉनिक भी यूज करना है, रिंस वाटर भी यूज करना है, हाइड्रोसोल भी यूज करना है, सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से यूज करनी है तो करनी है। ठीक है ना, तो मैं आप लोग को यहाँ पर ये लिख कर दे भी दूंगी इमेज में, चाहे मैं वीडियो में डाल दू, चाहे मैं वो आप लोग के साथ में कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दो कि मंडे से लेकर संडे तक आप अपने बालों की केयर कैसे करोगे। तो आपको सेम उसी प्रोसेस में केयर करनी होती है, है ना। ये नहीं इन्वर्जन मेथड है, ये नहीं कि आपने इन्वर्जन मेथड में अपने बालों को केयर करना स्टार्ट किया और आप ऑयल पैक, टोनर, टॉनिक सब बंद करके ताले में रख दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको वो भी करना है और आपको ये भी करना है ना, हर एक चीज करनी है। तो चलिए देख लेते हैं पहले इसको करना कैसे है, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और बहुत ही सिंपल से स्टेप है, उसके साथ में आपको ऑयल पैक, टोनर, टॉनिक, रिंस वाटर, आपका नाइट हेयर पैक, टॉनिक, आपका सिरम, सारी चीजें यूज करनी है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि इसको करना कैसे है। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले हम बनाएंगे अपना ऑयल, जिससे हमें मसाज करनी है अपने स्कैल्प की बहुत ही अच्छी तरीके से और डीपली। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जोजोबा ऑयल लिया हुआ है। जोजोबा ऑयल आपके बालों के लिए, आपकी स्कैल्प के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको स्कैल्प में पेन होने की समस्या हो जाती है, स्कैल्प में दर्द होने लगता है, रूट्स में दर्द होने लगता है, बीच बीच से ब्रेकआउट होने लगते हैं, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। उसके बाद से मैंने यहाँ पर डाला है पचोली एसेंशियल ऑयल। पचोली एसेंशियल ऑयल की मैं यहाँ पर 3 बूंदे डालूंगी। अगर आप एसेंशियल ऑयल 2 से 4 यूज करते हो तो 3 से 4 ड्रॉप ही डालना है आपको। ठीक है, तो यहां पर आप पचोली डाल रहे हो तो आप यहाँ पर पचोली की 3 डाल लीजिए, लेवेंडर की 10 डाल लीजिए, मतलब आप जो भी डाल रहे हो ना वो आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, है ना। तो टोटल आप 20 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर डाला है लेवेंडर, लेवेंडर की मैंने यहाँ पर 5 ड्रॉप्स के करीब डाली है। उसके बाद से मैं डाल रही हूँ फिगारो ऑयल। आपके बालों को हॉट मसाज देने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आपके रूट्स को मजबूत करता है, आपके हेयर फॉलिकल को रिपेयर करता है, मजबूती देता है, जिससे आपके बीच बीच से बाल ब्रेकआउट नहीं होते हैं और आपके बाल बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये ज़रूर लेना है, मजबूती बहुत ज़रूरी है आपके बालों के लिए। ठीक है, जिससे आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कैस्टर ऑयल, अरोमा मैजिक का। कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है तो आप कैस्टर ऑयल ले सकते हो। कैस्टर ऑयल रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जब हम अपने बालों को, अपने सर को हेड डाउन करके लगाते हैं ना, तो ये अच्छे तरीके से अपने बालों में जाता है और अच्छे से वर्क करता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से, है ना। Thank you.
गाइस देखा आपने कि जो आपका सिंपल सा एक तरीका है जो मैंने आप लोग को बताया इन्वर्जन मेथड कि इससे आप अपने बालों को 6 इंच तक लंबा कर सकते हो, बट यही नहीं है कि आप इसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ, आपको सारी चीजें करनी है ना, हर एक चीज को फॉलो करना है। जब आपकी स्कैल्प पे डैंड्रफ नहीं होगा, आप देख सकते हो मेरी हेयर लाइन कितनी ज्यादा पतली है, कल मैंने जो वीडियो डाली थी वाओ वेरी नाइस, आपने पफ बना लिया और दिखा दिया कि मेरे बेबी हेयर आ गए। ठीक है, आज मैंने पफ नहीं बनाया है आपको, मैं फिर भी शो कर देती हूँ। ये जो है ना मेरे, ये सारे मेरे बेबी हेयर है। अब मांग देख सकते हो इतने सारे यहाँ पे बाल खड़े ना, तो ये जो बालों की खड़े होने की जो पोजीशन है ना, उस वजह से मेरी यहाँ की स्कैल्प नहीं शो हो रही है। तो इसका ही मतलब होता है कि आपकी रेमेडी में दम है। ठीक है ना, मेरी रेमेडीज ऐसी नहीं है, जो मैं यूज करती हूँ वही शेयर करती हूँ, जिनको अच्छा लगता है वो फॉलो करें, जिनके लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ वो मुझे देखते हैं, मेरी वीडियो नहीं आती है तो उनको वेट रहता है मेरी वीडियो का। और मेरे पास इतने सारे मैसेजेस कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप कैसे हो, यहीं पर नहीं इंस्टा पे भी मैसेज आता है, एफबी पे भी मैसेज आता है, और मेरे मेंबर्स भी मुझे मैसेज करते रहते हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा जो मुझे प्यार देते हो आप लोग, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं आप लोग के लिए अच्छी अच्छी रेमेडीज हमेशा लेकर के आऊंगी। ठीक है, तो आप लोग खुद ही देख सकते हो कि बालों की जो थिकनेस होती है आपकी केयर पे डिपेंड करती है, आपके डाइट पे डिपेंड करती है। आप लोग के लिए डाइट भी लेकर आऊंगी मैं बहुत ही जल्दी, बहुत ही अच्छी, जो कि आप लोग खुद से करना स्टार्ट करोगे तो आप लोग को खुद ही रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे बाल इस समय में इतनी जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस समय मैं हाइड्रोसोल यूज कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जरूर, हाइड्रोसोल बहुत अच्छा है, आप इसको 14 दिन तक 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो और यूज कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा बालों में थिकनेस आ जाती है, आपके बाल बहुत जल्दी लंबे होने लगते हैं। आप सोचो अगर आपके बाल 50 हैं, ठीक है 25 बाल आपके छोटे हैं और 25 बाल आपके बहुत लंबे हैं, तो आपके बालों की डेंसिटी की समस्या होगी ना, आपके बाल बहुत घने घने लगेंगे साइड साइड से, बीच में वो हल्के लगेंगे। क्यों ये होती है डेंसिटी की प्रॉब्लम? क्योंकि 25 बाल छोटे हैं और 25 बाल बड़े हैं, तो आपके जो बाल छोटे हैं उनको लंबा होने में भी टाइम लगता है ना, टाइम तो लगेगा ही। जैसे आप मेडिसिन खाते तो हम ऊपर से केयर कर रहे होते हैं ना, इंटरनल नहीं कर रहे होते, अगर हम ऊपर से केयर करते तो उसको टाइम लगता है। ऑयल जरूरी है, आपका सीरम जरूरी है, आप लोगों को हर एक चीज जरूरी है आपके बालों के लिए। ठीक है ना, तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी ना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत से शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।